सो हाय गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में बात करने वाले ओप्पो फाइंड एक्स फाइव स्मार्टफोन के बारे में। ओप्पो फाइंड एक्स फाइव स्मार्टफोन के आई मीन रूमर एंड लिस्ट के अकॉर्डिंग इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और प्राइस, लॉन्च डेट, सारी चीज़ें निकल के आई हैं, तो जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तो देखें, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो इनटू। सो है गाइस, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। तो इसमें जो है आपको डिस्प्ले 6.55 इंच की 10 नीट वाली एमोल्ड फुल एचडी प्लस वाली रेजोल्यूशन के साथ आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और डिस्प्ले में आपको एचडीआर 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और डिस्प्ले जो होगा वो पूरा फ्लैट होने वाला है, तो काफ़ी अमेजिंग डिस्प्ले होगा। आपको गेमिंग स्पेस काफ़ी अच्छी मिलेगी, स्मूथ। अगर कोई भी वीडियो देखोगे, कोई भी एनिमेशन को आप टच करोगे, तो आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगी डिस्प्ले वाइज। एंड बात की जाए कैमराज की, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 30 मेगापिक्सल का ओआईएस के रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलेगी, ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलेगी, और जितने भी आपको कैमरा सपोर्ट देखने को मिलेगी वो सोनी के IMX6150 सेंसर मिलेगी, जिसका काफ़ी अमेजिंग कैमरा आपको सेंसर आपको देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन के अंदर, जो कि आप वो अंडर नाइट 4K वीडियो शूट कर पाओगे, अच्छी खासी फोटोग्राफी कर पाओगे, और कैमरा में स्टेबलाइजेशन भी आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगी, और कैमरा में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी अमेजिंग कैमरा एक्सपीरियंस आपको इस स्मार्टफोन के साथ रहने वाला है। और बात की जाए सेल्फी की, तो इसमें आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अमेजिंग सेल्फी स्नैपर आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसके प्रोसेसर परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो है वो थोड़ा हीटिंग इशू भी होता है, जैसा कि लगे इसमें थोड़ा हीटिंग इशू आप देखने को मिलेगी। गेमिंग स्पेस आपको इसमें ठीक ठाक देखने को मिलेगी, एचडी प्लस हाई पबजी BGMI की बैटरी टेक्नोलॉजी लैट टाइप है, ऑल टाइप गेम्स जो है आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग स्पेस आपको इस स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलेगी। अगर आप ज़्यादातर गेमिंग करोगे तो इसमें आपको थोड़ी हीटिंग इशू देखने को मिल जाएगी। और तो और बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको बैटरी की बात की जाए, तो इसमें आपको 4800 mAh की बैटरी और 80W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको 34 मिनट में फुल चार्ज कर देगी। और तो और इसमें आपको 30W का वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलेगी, तो काफ़ी अमेजिंग बैटरी स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे 2 दिन तो आपको आपका स्मार्टफोन बैटरी लाइफ तो चली जाएगा, और तो और आपके फास्ट जो चार्ज है वो 34 मिनट में हो जाएंगे फुल चार्ज, और 30W वायरलेस चार्ज से आपको एक से डेढ़ घंटे लगेंगे। और तो और बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन कनेक्टिविटी एंड सेंसर की, तो इसमें आपको वाईफाई 6, OTG सपोर्ट, NFC, नोटिफिकेशन लाइट प्लस, कलर OS 11, एंड्रॉइड 12, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट्स, ब्लूटूथ 5.1, वाईफाई कॉलिंग, LED फ्लैश लाइट, LPDDR5X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, और 5G अभी, और इसमें आपको डुअल 4G वोल्टेज का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिविटी सेंसर में आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगी, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, एक्सीलरोमीटर, जायरोस्कोप सारे सेंसर आपको देखने को मिल जाएगी। सो अगेन, कनेक्टिविटी एंड सेंसर में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं इसकी इंडिया लॉन्च डेट की, तो इसमें आपको 24 फरवरी को देखने को मिल जाएगी। और तो और बात की जाए इसकी प्राइस की, तो जैसा कि ये स्मार्टफोन आपको फ्लैक्सी देखने को मिलेगा, तो इसकी बेस वेरियंट जो है वो आपको 65,000 से स्टार्टिंग होगी, और 85,000 से लास्ट होगी। तो आपको इस बेस वेरियंट में आपको 65,000 के देखने को प्राइस में देखने को मिलेगा, और ये फ्लैक्सी स्मार्टफोन है, और इसके 3 रीजन से आपको स्मार्टफोन बाई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 888 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग चिपसेट है। और तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको कैमरा में भी देखने को मिल जाएगी। और तो इसमें आपको 80W का फास्ट चार्जर और 30W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है, तो काफ़ी अमेजिंग ये तीनों स्पेसिफिकेशन जो कि मुझे अच्छे लगे, तो मेरे हिसाब से आपको ये स्मार्टफोन जरूर से बाय करनी चाहिए। सो या गाइस, तो ये थी स्पेसिफिकेशन और माय ओपिनियन कि ये स्मार्टफोन मुझे कैसे लगा, और आपको ये स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस, लॉन्च डेट कैसी लगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, या अगर इस स्मार्टफोन मुझसे कोई भी क्वेरी हो या कोई भी अनस्कॉमी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें पूछ कर मैं उसका जवाब जरूर से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो। सो या गाइस, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड पीस आउट। I'm gonna go get some more.